शाम को भीड़ देखो। हामिल वाली रोड पे आ गया, यहाँ पे बहुत सारे मसाज पार्लर शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पे चाइनीज में लिखा रहता है। ये यहाँ की कोई तो कार अंदर थोड़ा सा जूसी है, ग्रेवी टाइप का है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वो बफेलो मीट होता है या फिर उसमें काउ का भी रहता है। थोड़ा सा अपने साथ स्कैम कर लिया, सॉरी नो मसाज, डर भी लिया जाता है इस तरीके से आपको। नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में, और इस ब्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ थामेल मार्केट नेपाल काठमांडू। अभी शाम का लगभग 6 बज चुका है और अभी मैं निकलने वाला हूँ थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करने, कुछ खाएंगे पिएंगे भी क्योंकि भूख भी बहुत लग रही है, और देखेंगे कि कैसी है यहाँ की नाइट लाइफ्स। मैंने सुना है कि यहाँ बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे बार्स हैं, और यहाँ क्या सीन होता है शाम को क्योंकि आज संडे भी है, और क्या क्या खाने को मिलता है हमें, और कैसी सारी चीज़ें मिलती हैं, और कितनी देर तक ये मार्केट शाम को खुला रहता है। क्योंकि अभी शाम का 6 बज रहा है, मैं सुबह आया था यहाँ काठमांडू में, फिर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो थोड़ा बहुत खा पी के मैं सो गया। और पिछला व्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलें, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की और होटल वगैरह ढूंढा। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको होटल ज़्यादा अपना दिखाया नहीं था, तो देख लो भाई थोड़ा सा मैंने ऐसे ही कर लिया है। यहाँ पे डबल बेड मेरे को मिला था, और ये मेरा बड़ा वाला बैग, वो थोड़ा बहुत सामान मैंने ऐसे ही फैला लिया है अपना। वो एंट्रेंस है, उस तरफ वॉशरूम है, टीवी एसी लगा हुआ है इस तरफ, सामने आप देख रहे होगे ये एक ड्रेसिंग टेबल है, तो इसके इस तरफ काफ़ी बड़ा पर्दा लगा हुआ है, तो व्यू ठीक ही ठाक है। मतलब बहुत सारे अपार्टमेंट्स और होटल्स ही बने हुए हैं इस तरफ, तो वैसा ही है, ये थामेल एरिया में ही है, और पर्दे वर्दे लगा के ही रखे हुए हैं मैंने तो तब से, तो कैश रखा हुआ है थोड़ा बहुत, खाएंगे पियेंगे और जो कुछ है सब उसी से होगा, बाकी तैयार हो चुके हैं, अब चलिए निकलते हैं बाहर। तो भाई आ चुका हूँ मैं बाहर, और अभी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ बाहर, थोड़ा सा हैपनिंग तो हो चुका है, लाइटें वाइटें जल चुकी हैं, तो माहौल थोड़ा सा अलग है और लोग थोड़े बाहर निकलने शुरू हो गए हैं, दिन में इतना शाम को था नहीं। पीछे वाली जैसे कि पूरी रोड अगर देखोगे, लाइट वगैरह पीछे चल रही है, थोड़ा सा मेन रोड की तरफ चलते हैं, कुछ खाने पीने का देखते हैं इधर, नहीं तो फिर पीछे की तरफ ही चलेंगे किसी और गली से सही। ये है मेन चौराहा थामेल, यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ पर आप शाम को भीड़ देखो, मतलब दिन में इतनी भीड़ नहीं होती, शाम को जितनी यहाँ पर भीड़ हो रखती है, और पुलिस वाले लगे हुए हैं यहाँ के ट्रैफिक को कंट्रोल कराने में। बाकी यहाँ पर कोई वैसी लाइट नहीं है, और यही लोग जैसे कि बीच में आप देख रहे होगे, ये लोग ही मैनेज कर रहे हैं पूरा ट्रैफिक। तो यहाँ पे सामने ही एक हॉस्पिटल भी है, ओवरसीज इंटरनेशनल, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह की शॉप है। ये थामेल वाली रोड पे आ गया हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मसाज पार्लर शुरू हो जाते हैं यहाँ से, ये लोटस मसाज पार्लर है, और इसके आगे भी बहुत सारे हैं इसी रोड पर ही अगर आप आगे की तरफ में देखोगे, और इसमें अंदर दोनों तरफ को गलियाँ भी बटी हुई हैं, उनमें भी बहुत सारे मसाज पार्लर क्लब्स और ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी रेस्टोरेंट्स तो भर भर के हैं, हर तरीके के होटल्स रेस्टोरेंट्स। तो मेरा होटल जो है वो कुछ इस गली में है, यहाँ पे देख रहे होगे काफ़ी सारी लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ पे स्ट्रीट फूड है, उधर एक अन्नपूर्णा ये जो वेजन रेस्टोरेंट है, यहीं पे मैंने कुछ खाया पिया था दिन में, और वहाँ पे भी बार्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं अब, तो यहाँ पे थामेल क्लब एंड डांस है इस तरफ, ये मनी एक्सचेंज है इधर, और इधर अंदर भी रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब एंड डांस बार है ये वाला, और ये थोड़ा शॉपिंग का एरिया भी है। यहाँ पे एटीएम देखो भाई, चार चार पाँच पाँच एटीएम लगे हुए हैं, इंटरनेशनल एटीएम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहाँ पैसे निकालने के बस वही चार्जेस वगैरह कटते हैं। एसबीआई का है मेरे पास इंटरनेशनल, तो वहाँ से आप पैसे वैसे निकाल सकते हो। ये देखो कपड़ों का बढ़िया सा शोरूम है, ये फास्ट फूड के लिए है। अब ये गली आप देखो, ये कितनी खूबसूरत दिख रही है ऐसे शाम के वक्त में, बिल्डिंग्स उसी हिसाब से हैं, ये लाइटिंग वगैरह आप देखो ज़बरदस्त दिख रही है। यहाँ पे ऊपर रूफटॉप कैफ़े भी है, ये एक मेन चौराहा टाइप का है थामेल के बीचों बीच, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ सा भी है, और गलियाँ उतनी चौड़ी नहीं है, रोड उतने चौड़े नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा चलती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पुलिस वगैरह भी खड़ी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ये देखो भाई टैटू वगैरह के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं, ये देखो डेकोरेटिव आइटम्स के लिए बहुत बड़ी शॉप है यहाँ पे। थोड़ा बहुत मुझे खाने का पीछे दिखा दो, जैसे कि बर्गर वगैरह, रोल वगैरह और मोमो वगैरह, लेकिन मैं कहा आगे खाऊंगा करके पीछे छोड़ाया, अब काफ़ी देर से दिख नहीं रहा है सब। जैसे ये रेस्टोरेंट एंड कैफ़े है ना, ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पर चाइनीज़ में लिखा रहता है, और कुछ कुछ तो ऐसे यहाँ पर केवल चाइनीज़ में लिखा रहता है, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज़ मुझे लगता है कल्चर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और बहुत सारे वहाँ के टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं। ये देखो यार, ये यहाँ की कोई तो कार गाड़ी है, ईवी तो नहीं है, जबकि यहाँ पे काफ़ी सारी ईवीज आपको देखने को मिल जाती हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी हैरियर जैसा लुक है इस तरफ से। अब मैं वो पीछे वाली मेन रोड से चल के यहाँ तक आ चुका हूँ, और ये हो चुकी है रोड ख़त्म, अब हमें राइट या लेफ्ट जाना पड़ेगा। अभी तक मैंने यहाँ पे स्ट्रीट फूड जैसा कुछ भी नहीं देखा, पता नहीं यहाँ पे बिकता नहीं है,
फेस्टिवल, यहाँ पे भुट्टा बिक रहा है। ये कुछ ऐसा एरिया है, यहाँ पे सब्जी वगैरह मिल रही है। और वहाँ पे आप देखोगे इधर काफ़ी अच्छा ट्रैफिक है। यहाँ पे ये वाले नॉर्मल रिक्शाज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब वो भी मेरे ख्याल से कोई होटल ही है ऊपर की तरफ में इधर। और यहाँ पे पानी पूरी का पहला स्टॉल मेरे को यहाँ पे स्ट्रीट फूड के नाम पे देखने को मिला। अब पानी पूरी तो नहीं खाना है मुझे। अपने इंडिया में ना कई बार इन सब चीज़ों की थोड़ी कमी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे जो भी ड्रेनेज सिस्टम है ना वो मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप ये देखोगे ये मेन रोड है और यहाँ की रोड भी सही बनी हुई है सारी। ये गली है और ये जो नाली है ना छोटी सी इसके अंदर है पूरा ड्रेनेज। ये देखो मतलब नाली पूरी अंदर है, बाहर कुछ भी ओपन नहीं है। फिर भी अच्छी बात है यार। आप भी सोच रहे होंगे मैं आपको नाइट लाइफ के नाम पे ट्रैफिक दिखा रहा हूँ गलियों में। अब क्या करूँ, यहाँ पे है ही इस समय ऐसा ट्रैफिक, बहुत बाइक्स हैं यहाँ, पैदल का ट्रैफिक बहुत है। क्यों? क्योंकि गलियाँ बहुत पतली छोटी हैं। तो अभी मैं पीछे एक रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पे मुझे चाहिए था सूप वाले मोमो, तो मेरे को वो तो नहीं मिले। नॉर्मल स्टीम मोमो थे उनके पास में, वेज भी थे, नॉन वेज भी थे, चिकन थे। और यहाँ पे बफ बहुत चलता है, यानी बफेलो मीट। अब वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वो बफेलो मीट होता है या फिर उसमें काऊ का भी रहता है, तो वो उसके बारे में मेरे को इतना पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, वही पसंद करते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जैसे मोमोज की भी, लेकिन मुझे खाना थोड़ा ग्रेवी वाला, तो वैसा ढूंढते हैं वो खाते हैं फिर। अब यहाँ पे मीट शॉप बहुत सारी है, चारों तरफ आपको बहुत सारा मीट देखने को मिलेगा। रॉ रॉ पूरा रखा हुआ है बाहर की तरफ में। लेकिन एक अच्छी बात है, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मतलब रोड्स पे या पास से निकलने पे भी। और मैंने ना यार थोड़ा सा अपने साथ स्कैम कर लिया, मुझे उधर पता नहीं चला कि मैं उस रोड से नीचे की तरफ में उतारा हूँ, और अब मुझे उस तरफ जाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और अब चढ़ने में मेरी हालत ख़राब होने वाली है। मैं सैंडल पहने हुए हूँ पिछले एक दो दिन से, तो पैर में थोड़ा सा काटने लग गया एक जगह पर, थोड़ा सा मतलब चोट सी हो गई है। बाकी यार मुझे ये नहीं पता था कि ऊपर चढ़ा, अब काफ़ी ऊँचा है यार। स्कैम कर लिया यार मैंने खुद के साथ। देखो भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो, और जब से मैं इधर थोड़ा सा आया हूँ ना थोड़े बहुत थोड़ा मेरे को अभी दिखने लग गए हैं। और काफ़ी सारे लोग तो ज़्यादातर पता नहीं DSLR लेके फोटोग्राफी का बहुत शौक रखते हैं यार ये लोग। ये देखो जैसे यहाँ पे स्पेनिश भी बहुत आते हैं। ये देखो भाई अपने यहाँ जो ज़्यादा बिकती है यहाँ बिकती है। और ये गली थोड़ी सी सही लग रही है मुझे बाकी चीज़ों के मामले में, यहाँ थोड़ा फॉरनर्स भी ज़्यादा है। सॉरी नो मसाज, इधर ये मसाज वसाज वाला सीन ज़्यादा है। वैसा शॉपिंग का एरिया वैसा है, एंटीक चीज़ें बहुत मिल रही हैं। और सच में यहाँ पे फॉरनर्स बहुत है, स्पेशली इसी एरिया में बहुत है। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ले जाने वाली भी हैं जो आप ले जा सकते हो। और यहाँ पे ना भाई याक का भी बहुत काम है, जैसे कि याक वूल से आपको बहुत सारी चीज़ें बनी हुई दिख जाएंगी, जैसे कि शॉल वगैरह हो गया, कंबल वगैरह हो गया, याक वूल का होता है। और याक मीट भी उतना ही यहाँ पे प्रचलित है, और याक मीट से भी मोमो वगैरह या बहुत सारी चीज़ें कीमा वगैरह वो सब मैंने लिखा देखा है, वो सब आपको भी मिल जाएगा भाई। उस शॉप में बज रहे हैं पंजाबी गाने, पंजाबी गाना सुप्रीमेसी। यहाँ पे एक टेम्पल है, इस तरीके से कुछ सजा हुआ है। देखो शिव जी का टेम्पल है, ये गणेश जी का भी है इधर। ये है हुक्का या शीशा की शॉप, यहाँ पे थोड़ा सा मेन्यू आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पे नॉन वेज वेज दोनों ही है, प्योर वेज तो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं, तो मैंने अभी ये ऑर्डर किया है वेज मोमो, सूप वगैरह भी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हर जगह आपको जो है लिकर वगैरह जगह देखने को मिल जाएगी, और सिगरेट्स वगैरह, जैसे कि इसमें भी आप अगर देखोगे तो इसमें भी लिकर वगैरह के प्राइसेस और सिगरेट्स के प्राइसेस लिखे हुए हैं, तो वो सब आपको जैसे एस्ट्रे भी यहाँ पे रखी हुई है वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आ चुके हैं हमारे 10 पीस मोमोज के, और ये दो सॉसेज मिली हमें, जो कि मैंने एक ये थोड़ी सी डाल के देखी है, पहले इसको टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है। अंदर थोड़ा सा जूसी है, ग्रेवी टाइप का है, सूखा सूखा नहीं भरा हुआ है, और टेस्ट तो सही है यार इसका, मतलब अंदर ही बहुत मसाला और ग्रेवी है इसमें ही, अच्छा खासा नमक मिर्च है। सॉस का तो घर उतना मुझे पता नहीं चला। दिस इज़ द रेड चटनी, और ये थोड़ी सी स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, बट मुझे येलो वाली फिर भी थोड़ी सी नॉर्मल ही लगी। और टेम्पलेटिंग एक्चुअली जो येलो वाली चटनी है ना
ये इसमें मेरे ख्याल से पीनट वगैरह भी है क्योंकि उसका टेस्ट मेरे को आ रहा है। तो अभी भाई मोमो वगैरह खा के मैं तो चल दिया हूँ थोड़ा दूसरी तरफ में और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं अभी। तो अभी चलते चलते मैंने भाई से पूछा जो वहाँ पे वेटर था कि भाई जैसे मैं फ़ोन वगैरह लेके ऐसे चल रहा हूँ या फिर अपना पर्स वगैरह लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे कोई इशू है स्नैचिंग वगैरह का? तो वो पहले तो समझ नहीं पाया थोड़ी देर तक, फिर वो बोला कि नहीं नहीं यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, और बोला कि ये इंडिया नहीं है, इंडिया जैसा यहाँ ये वाला इशू नहीं है। तो मैंने उससे कहा भाई इंडिया में भी ये इशू नहीं है? अब देखो थोड़ा बहुत है, काफ़ी जगह पर है, मेरे शहर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कई जगह पर होता है। लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ इंडिया में रहते हुए, इतने टाइम से मैं ब्लॉगिंग इंडिया में भी किया है बहुत, तो वैसा कुछ भी नहीं है अपने यहाँ। लेकिन उसके दिमाग में जैसे था कि इंडिया में जैसे, अब वो मेरे से यही बोला कि इंडिया जैसा नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे स्नैचिंग वगैरह होता है। मैंने कहा नहीं होता है, मैंने उसे दो बार कहा, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं होता है, गलत बताया तुम्हें। फिर वो खुद ही ये भी बोला कि वहाँ पे जैसे कि विमेंस वगैरह के साथ भी वैसा रहता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नॉर्मल घूम सकती है। बस उसने बस एक चीज़ मेरे से बोली कि विमेंस वगैरह से लड़कियों से थोड़ा दूर रहना। मैंने कहा उसकी तुम चिंता मत करो। बस इतनी बात हुई उससे और मोमो खाया। मोमो का बस एवरेज सही था यार, क्योंकि उनका साइज़ थोड़ा छोटा था, छोटे छोटे मोमोज थे तो पसंद नहीं आते, थोड़े बड़े बड़े मोमो होते हैं ना उनकी फीलिंग थोड़ी ठीक होती है। उसकी भी क्या ठीक थी, लेकिन और भी बेहतर हो सकते थोड़े। अभी और भी कुछ खाएंगे, इतने से पेट तो नहीं भरा, और अभी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, अभी देखते हैं। थोड़ा और रात हो गई है, लगभग 8:30 बज गया है अभी। यार 8:30 ज़्यादा तो नहीं होता यहाँ के, यहाँ के लिए तो आप 10-11 बजे 12 बजे के आसपास में आपको ज़्यादा अच्छा क्राउड देखने को मिलेगा। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ना रोड क्रॉस करना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल से रोड क्रॉस करना पड़ता है। गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं और थोड़ा थोड़ा इंडिया वाला ही सीन है, लेकिन फिर भी लोग रूल्स बहुत फॉलो करते हैं रोड्स के। तो जैसे मैं इधर आया तो इधर तो ज़्यादा मेरे को नॉन वेज सही सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो इधर से थोड़ा सा जाते हैं दूसरी तरफ को। तो मैं तो अभी मोमो वगैरह खा के वापस आ चुका हूँ अपने होटल रूम पे। अभी लगभग यार 9 भी नहीं बजा है, मैं थोड़ा जल्दी चला गया उस जगह को एक्सप्लोर करने, इतनी जल्दी वो जगह खुलती नहीं है। वैसे भी मैंने पूरे दिन का वेट किया था, इसीलिए दिन में आज मैं कहीं घूमने भी नहीं गया क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत हेक्टिक हो रखा था शेड्यूल। थोड़ा बहुत घूम के आपको दिखा दिया, अब फिर मैं निकलूंगा थोड़ी ही देर में, लगभग अभी जैसे 9 बजा है, अब मैं निकलूंगा लगभग 10:30 के आसपास में। तो भाई फिर से बैग टांग लिया है अपना और टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट बचे हैं। और ये वाला कुछ रूम है अपना, यहाँ से चलते हैं थोड़ा नीचे। तो इधर है इस गली में मेरा होटल, अभी बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल है जैसे कि देखो सिगरेट विगरेट पी रहे हैं, ऐसे बैठ के यहाँ पे खड़े हो गए। और ये भी एक बार टाइप का ही है कुछ, यहाँ पे पार्टी वगैरह चलती रहती है यहाँ पे हमेशा। क्या बढ़िया मार्केटिंग कर रहा है भाई, बुला बुला के। ये देखो भाई इधर भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं इस गली में, अभी जाएंगे सीधे सामने से, होटल्स भी हैं इधर। जैसे यहाँ पे आप नॉर्मल चलते रहोगे ना तो आपके पीछे जो है कॉलिंग वगैरह होती रहेगी, मतलब आपको लोग बुलाते रहेंगे। अब वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, और अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए लोग बुलाएंगे, और जैसे स्पा वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे आने से पहले आपको किसी भी तरीके की कॉलिंग भी नहीं जाना है, कोई भी बुलाता रहे आपको, आपको मुड़ के नहीं देखना है, उसका रिएक्ट नहीं करना है, अपने काम से काम रखो और जो करना है वो करना। देखो भाई ये पूरी स्ट्रीट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो डर भी लिया जाता है इस तरीके से आपको पुलिस वालों ने। यहाँ पे यार होमलेस पीपल्स भी हैं थोड़े बहुत, ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं दिखाएगा जो यहाँ घूमने आएगा। बाकी लोगों की अगर बात करें तो लोग जो है वो कैमरा फ्रेंडली बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं कहूँगा। अब जैसे ये स्ट्रीट थोड़ी सी शांति सी है यहाँ पे, और ये सब लोग पुलिस वाले भगा रहे हैं इनको, कार वालों को जो अभी यहाँ गाड़ियाँ लगाए हुए हैं। और जैसे ये देखोगे ये जो खड़े हुए हैं ना, ये सामने राइडर्स हैं। यहाँ पे एक पटाओ करके ऐप चलती है, उससे आप राइडिंग बुक भी कर सकते हैं अपने इंडिया की तरह, जैसे ओला बाइक या फिर आप रैपिडो बुक करते हैं, या फिर आप इनको खुद से अप्रोच करके भी बुक कर सकते हैं। ये देखो कोई तो चौराहा है काठमांडू का, देखो ऐसा कुछ ट्रैफिक है यहाँ पे, लोग रुकते हैं यार जहाँ भी होता है। और देखो उधर खड़े हुए लड़के वो सीटी वीटी मार रहे हैं, सुनाई दे रहा होगा आपको।
असल में हुआ ये, सीटी बजा रहे उन लड़कों ने मुझे व्लॉग करते देखा तो उन्हें मेरे इंटेंशन पता नहीं थे। उन्हें लगा पता नहीं मैं वहाँ क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वहाँ से जब वो लेडी बॉय स्कूटी पर निकली तो उसे देखकर वो सीटी बजाने लगे और उसे इन्फॉर्म करने लगे कि तुम्हारा वीडियो बन चुका है। उन्होंने चिल्लाया भी पीछे से, व्लॉग व्लॉग, यानी आपका व्लॉग बन चुका है। लेकिन मैं टहलते टहलते थोड़ा आगे निकल चुका था जब तक उन्होंने उसको बताया, ठीक से समझाया कि आपकी वीडियो बन चुकी है। उसके बाद उस लेडी बॉय ने मेरा पीछा किया और मुझे पीछे से कई बार आवाज़ दी रुक जाने को, मगर क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग आवाज़ें लगा के आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने वही चीज़ समझा और उस चीज़ को इग्नोर किया और मैं चलता रहा। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रही है और मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। और जब मैंने सुना कि वो क्या कह रही है, वो कह रही थी कि मेरा वीडियो डिलीट करो, मेरा वीडियो डिलीट करो। जब मैंने ये सुना तो मैं रुका और मैंने पीछे देखा तो वो मेरे पास आके खड़ी हो गई और बोली, मेरा वीडियो डिलीट करो जो अभी तुमने पीछे बनाया है। मैंने कहा कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है तुम्हारा, तुम मेरे वीडियो में नहीं आई हो। तो बोली कि नहीं, मैंने देखा और वहाँ पे जो लड़के मौजूद थे उन्होंने भी मुझे बताया कि तुमने मेरा वीडियो बनाया है। तो मैंने फिर से कहा कि मैंने तुम्हारा कोई वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी उसकी जिद के बाद में वो नहीं मानी और उसने अपना वीडियो मेरे से डिलीट करा ही लिया। तो होता यह है, वहाँ के लोकल लोग इस सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और आपको वीडियो में बिल्कुल भी इन सब लोगों को रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं। तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे जाते वक्त आप ज़रूर ख्याल रखें, किसी को भी इस तरीके से रिकॉर्ड ना करें। और गलती से भी आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो तो चुपचाप वीडियो डिलीट कर दें। ये देखो भाई, कुछ तो है, समझ तो नहीं आ रहा है क्योंकि चाइनीज़ में लिखा है। उसके नीचे भी जो लिखा है वो भी चाइनीज़ में ही है। तो भाई मैं आपको बता रहा था, देखो, और देखो यहाँ पे भी चाइनीज़ में लिखा हुआ है। नूडल समझ में आ रहा है, बफ नूडल। अब भाई घूम तो काफ़ी देर से रहा हूँ इन्हीं गलियों में, ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा है क्योंकि आज वैसे भी संडे था और कल मंडे है तो उतना ज़्यादा नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा सैटरडे नाइट को या फिर फ्राइडे नाइट को, बहुत ज़्यादा हैपनिंग होती हैं चीज़ें यहाँ पे। तो अभी सारा तो कुछ बंद हो रखा है, जो होमलेस लोग हैं वो पड़े हुए हैं चारों तरफ में, और पार्टीज़ वार्टीज़ होती हैं, अभी भी हो रही हैं, पर जिसको करनी होगी उसको अंदर जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब ये देखो, एक और चौराहे पर आ चुका हूँ, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है। यार ये बढ़िया लगता है, यहाँ पर झालर वगैरह लगी रहती है हमेशा हर जगह। तो आई होप मैंने बहुत सिंपली तरीके से आपको सब कुछ घुमा दिया है नाइट में। और अभी ऑलमोस्ट 1 बजने जा रहा है और 12:45 हुआ है और मैं आ चुका हूँ अपने होटल, और होटल रूम ही मेरा बंद हो चुका था, नीचे से पूरा सब कुछ शटर वटर डाल रखे थे। मुझे लगा पता नहीं यार अब कॉल वॉल करके देखना पड़ेगा किसको क्या बुलाऊंगा। बाद में मैंने पढ़ा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि 10:30 बजे तक ये वाला डोर खुला रहता है, फिर भी बैक साइड डोर है, वहाँ पे जाके आप बेल वगैरह बजाओगे तो खुल जाता है। तो अभी 1 बजे भी उन्होंने आके खोल दिया होटल। जो स्टाफ है वो बढ़िया है, भाई है यहाँ पे वो बहुत बढ़िया है, मतलब स्टाफ में है तो बातचीत में मतलब काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट व्लॉग आप देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो सारे मैं कवर करने वाला हूँ उस एक वीडियो में। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें। आपको ज़रा सा भी ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए फॉरगेट्स और बी हैप्पी। प्लीज़।